अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम माई खाना का जायका चैनल में स्वागत है। ये देखिए, मैंने एक बहुत ही अनोखी डिश तैयार की है अंडे की, जो आपको डिनर के में बहुत ज़्यादा टेस्टी और अनोखी रहेगी। इसके लिए हमें 3 अंडे चाहिए, 2 प्याज घिसी हुई, 1 टमाटर कद्दूकस किया हुआ, 2 मिर्च, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसमें 3 अंडे को एक बाउल में 3 अंडे फोड़ेंगे और उसको अच्छी तरह फैटेंगे। फैटने से पहले हम इसमें मसाले डालेंगे, 1 हरी मिर्च कुटी हुई, और टेस्ट के हिसाब से आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, अदरक लहसुन पेस्ट, घिसी हुई प्याज, थोड़ी मिर्च, थोड़ा धनिया, थोड़ी हल्दी, थोड़ा नमक, ये सब डालेंगे और अच्छी तरह थोड़ा टमाटर का रस भी डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे, अच्छी तरह फैटेंगे। और फिर इसमें एक पैन लेंगे, पैन में हम ऑयल से अच्छी तरह कोटिंग करेंगे और ये सारा घोल उसमें पलट देंगे। अब एक नॉन स्टिक पैन में हम कोई भी कढ़ाई वगैरह जो भी है उसमें पानी डालेंगे और स्टैंड रखेंगे और इस घोल को उसमें स्टीम होने देंगे। स्टीम कुक हम इसमें कम से कम 10 मिनट तक करेंगे। इसको ढक्कन ढक देंगे। अब हम दूसरे गैस में, दूसरे चूल्हे में, एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एक थोड़ा सा जीरा, 1 इलायची और 2-4 लौंग लेकर अच्छे से चटकाएंगे और फिर इसमें हम वो जो 2 घिसी हुई प्याज है कद्दूकस की उसमें डाल देंगे और ये प्याज को हम थोड़ी देर भूनेंगे धीमी धीमी आंच में, गोल्डन ब्राउन होते तक। थोड़ा ढक्कन ढक देंगे और स्लो आंच में थोड़ा भूनेंगे। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज। अब हम इसमें 1 चम्मच जो अदरक लहसुन पेस्ट था, 1 टेबल स्पून उसको डालेंगे, उसको भी अच्छे से मिलाएंगे और उसको भी थोड़ा सा धीमी आंच में भूनने के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा स्टीम होकर तैयार हो गया है अंडे का। ये देखिए, अब उसको हम ठंडा होने रख देंगे 10 मिनट के लिए और ये हमारा प्याज का मसाला भुन गया है। अब सारे सूखे मसाले हम इसमें डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे, अच्छे से भूनेंगे इसको, सब मिलाएंगे और थोड़ा पानी भी डाल देंगे, अदरक, ये टमाटर घिसा हुआ ये भी डाल देंगे। इसके बाद मैंने इसमें 1 छोटे बाउल भर के दही भी डाली थी, जो मैं दिखा नहीं पाई हूँ, थोड़ी देर बाद डालना है। पानी मिलाकर इस मसाले को धीमी आंच में भुनने देना है। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए ये ठंडा हो गया है, इसको पलट देंगे और ये केक की तरह तैयार हो गया अंडे का। इसके हम चौकोर चौकोर पीस बनाएंगे, जैसे ढोकले के बनाते हैं, और इस पीस को हम सेलो फ्राई करेंगे। एक नॉन स्टिक पैन में थोड़ा तेल डालेंगे, थोड़ा ही तेल डालना है, ज़्यादा नहीं, बस कढ़ाई अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए ऑयल की, इतना। और ये जो बिस्किट हैं इनको बिछा देंगे और धीमी धीमी आंच में सेकेंगे, एकदम धीमी आंच होना चाहिए और ये कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाता है इसको सेकने में। धीरे धीरे सेकना है, एकदम जल्दी जल्दी चम्मच नहीं चलाना है, आराम आराम से सेकना है इसको, गोल्डन ब्राउन होता था। ये देखिए मेरा, ये धीरे 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 मैंने इसको पलट के ये तैयार हो गया है। अब मैं कढ़ाई गैस बंद कर रही हूँ और इसको निकाल ले रही हूँ। इधर मेरा मसाला भी अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैं उसमें थोड़ा ग्रेवी के लिए पानी मिलाऊंगी और उसको थोड़ी देर, 5-1 मिनट पकाऊंगी और थोड़ी देर पकने देना है। ये लगभग पक के तैयार हो चुका है रेस्ट लेने के बाद। और ये देखिए, ये कटलेट जो अंडे के तैयार थे ये इसमें डाल दिए, थोड़ा रेस्ट देंगे, रेस्ट हो चुका है। अब इसको बाउल में डिश आउट करेंगे। ये देखिए, ये बनकर तैयार है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, धनिए की गार्निशिंग करेंगे और ये देखिए खाने के लिए तैयार है। आप डिनर में इसे रोटी के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा
मज़े का है, बहुत जायका आएगा आपको। शुक्रिया।